अड्डियां चुक के फाहा लेन जा रही है आप दी पंजाब सरकार। ऊपर वाले ने हमें एक बड़ा स्टेट भी दे दिया, पंजाब दे दिया। 3 महीने हुए सरकार बने हुए, 3 महीने, 1 जुलाई से पंजाब के अंदर बिजली फ्री हो गई। मुफ्त बिजली दे चोण वादे ने हिलाया पावर कॉम दा बजट। आज सब तो बड़ी खुशखबरी जिहड़ी मैं पंजाबियों नूं देण लग्गिया कि 1 जुलाई 2022 तो, जी हाँ 1 जुलाई 2022 तो पंजाब दे हर परिवार नूं 300 यूनिट पर मंथ, यानी कि 300 यूनिट 1 महीने की फ्री बिजली मिलेगी, तो 2 महीने का 600 यूनिट हो गया। पिछले बकाए तारण दे लई बिजली बोर्ड चुक रहा है 1000 करोड़ का होर कर्जा। पंजाबी दी एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि अड्डियां चुक के फाहा लेना, जो कि महज 5 महीने पहला पंजाब च बनी आम आदमी पार्टी दी सरकार दे कामकाज करन दे तरीके विचों साफ झलकदी है। चोणां दे दौरान आम आदमी पार्टी वल्लों पंजाब दे लोकां नाल मुफ्त बिजली देण दा जो चोण वायदा कीता गया सी, जिस दा कि हरियाणा, हिमाचल अते गुजरात विच आगामी चोणां दे मद्देनज़र वोटां बटोरन लई खूब इस्तेमाल कीता जा रहा, हुण सरकार दे गले दी हड्डी बणदा दिखाई दे रहा। बेशक बाहरी राज्यां दे लोकां नूं इह चोण वायदा देखण सुणन विच काफ़ी लुभावना लग सकदा होवे, पर इस दी सच्चाई इह है कि मुफ्त बिजली दे इस चोण वायदे ने PSPCL यानी कि पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड दा बजट पूरी तरह हिला के रख दिता है। इस दे नाल पावरकॉम दी वित्तीय हालत इस हद तक डावाडोल हो चुकी है कि पावरकॉम नूं पिछले बकाए तारन लई 1000 करोड़ तक दा कर्जा चुकना पै रहा। भरोसेयोग सूत्रां दे मुताबक अज दे इतिहास विच पहली वार हो रहा है कि PSPCL कोल अपने मासिक बकाए तारन लई वी पैसा नहीं बचा। उपरों केंद्र दी सरकार वल्लों वी 3 जून नूं बनाए इलैक्ट्रिसिटी रूल्स 2022 दे तहत इह फरमान जारी करदिआं शिकंजा होर कस दित्ता गया है कि बकाए ना तारन वाला कोई भी राज ना तां बिजली खरीद सकेगा अते ना ही वेच सकेगा। पंजाब नूं इस दा नुकसान यह होया कि इस दे नाल हुण बकाए तारण विच किसी भी तरह की कोई ढिल नहीं वरती जा सकेगी। भगवंत मान की अगवाई वाली आप सरकार लई हुण पावरकॉम नूं सबसिडी की समय सिर अदायगी करना सब तो वड्डी चुनौती बन गया। इत्थे भी दसना बनता है कि पावरकॉम पहलां तो ही लगभग 17000 करोड़ रुपए का कर्जई हो चुका है, जो कि हुण आम आदमी पार्टी वल्लों अपने चोण वायदे नूं पगाउण की जिद करके होर 1000 करोड़ का कर्जई होण जा रहा। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।